आज अपन आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक सीरीज में से तीसरा पार्ट। अभी तक हमने 40 क्वेश्चन देखे थे जो कि बेस्ड ऑन फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आज हम उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, पार्ट थ्री हम इसे बोलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, लेट अस सी, बेंजीन इज एन क्या है? बेंजीन क्या 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 है? क्या है? क्या है? क्या? तो ऑप्शन से हमें पता चलता है कि बेंजीन किस टाइप का कंपाउंड है, यह हमें बताना तो है क्या। बेंजीन इज एन क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता, आपको पता है तो बोलिए क्या है बेंजीन। तो यस, एलिफेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक है, हेट्रोसाइक्लिक है, या नन ऑफ दीज है? तो गेस कीजिए, ए बी सी डी, सी डी बी सी, जो है वो बताइए। और चलिए देखते हैं इसका आंसर। यस, आंसर आपका बिल्कुल सही है, वो है बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग है, रिंग होना जरूरी है, उसके बाद इसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड होना चाहिए, वो भी है, इसमें डिलोकलाइजेशन होना चाहिए, वो भी है, और सबसे जरूरी बात, ये अकेल का 4n+2 पाई रूल भी फॉलो करता है, इसीलिए बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। दैट्स ट्रू। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल शोज डैश डैश रिएक्शन। बेंजीन के जो हम नाइट्रेशन करेंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शन, या इलिमिनेशन रिएक्शन? यस, कौन सा हो सकता है? अगर आप नाइट्रेशन करेंगे बेंजीन का तो किस टाइप का रिएक्शन है? यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या है वो सही? चलिए देखते हैं। तो वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि हमें पता है ईएसआर रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, ये सब रिएक्शन आते हैं, उसके बाद एसाइलेशन भी उसी में आता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कंसिडरिंग इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द हैलाइड्स आर। जब हम स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो ऑर्थो डायरेक्टर, मेटा डायरेक्टर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ये कुछ हमने पढ़ा था, एक्टिवेटर डायरेक्टर, तो उसमें से ये क्या है? एबीसीडी में से फाइंड आउट कीजिए। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर है, हैलाइड्स है, और डीएक्टिवेटर है, मेटा डायरेक्टर एंड एक्टिवेटर है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर एंड एक्टिवेटर है, या मेटा डायरेक्टर एंड डीएक्टिवेटर? तो आइए देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। लेट अस सी, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर एंड डीएक्टिवेटर, हैलाइड्स। नेक्स्ट, फिनॉल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच डैश डैश ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन। फिनॉल के स्ट्रक्चर में क्या होता है भाई? ओएच होता है, उसको बेंजीन रिंग, तो जब ओएच अटैच होता है उसको हम फिनॉल बोलते हैं। वही बेंजीन रिंग की जगह अगर एलिफेटिक होता है तो इसका मतलब वो अल्कोहल है। तो यहाँ पर तो हमारे जान पहचान वाला देखिए, ओएच, डेफिनेटली इट्स अ ओएच। फिनॉल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच ओएच ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। यस, करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, फिनॉल्स आर डैश डैश इन नेचर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फिनॉक्साइड आयन। फिनॉल जो है फिनॉक्साइड आयन्स की वजह से डैश डैश नेचर में कुछ है। क्या है? एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, नन ऑफ दिस है? क्या है? क्या है? कौन सा नेचर है फिनॉल्स का? हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। तो देखते हैं आपका जवाब सही है या नहीं। चलिए, इट्स एसिडिक। फिनॉल्स जो है एसिडिक होते हैं क्योंकि वो स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बनाते हैं, जिसकी वजह से एसिडिक है, बट लेस एसिडिक है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, वीक एसिडिक जिसे हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन कंसीडरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द ओएच ग्रुप, ओएच ग्रुप क्या है? ऑर्थो पैरा है, मेटा डायरेक्टर है, क्या है? चलिए देखिए, बिल्कुल 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 से, तो देखिए क्या है इसका आंसर। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एंड एक्टिवेटर है, तो हैलाइड्स ग्रुप डीएक्टिवेटर थे, ये याद रखिए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन, सबसे कठिन सवाल अभी तक का, सबसे कठिन सवाल नहीं, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, ये सबसे आसान सवाल है, हर किसी को होना चाहिए। हाँ, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन कितने हैं? बिल्कुल सही है यह जवाब, तीन, तीन होने चाहिए। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन रिंग तीन। नेक्स्ट, बेंजीन अंडरगोज, बेंजीन अंडरगोज कहाँ जाएगा अभी बेंजीन? हाँ, ऑप्शन 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 देखते हैं फिर समझेगा हमें क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, नन ऑफ दीज। बेंजीन अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन। हाँ, बेंजीन कौन से टाइप के रिएक्शन देता है, ये इस सवाल है। तो हमें पता है बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, बट सब्स्टिट्यूशन है, इसीलिए इट्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ फिनोल. नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है फिनॉल के बारे में. फिनॉल इज अ मोर एसिडिक देन अल्कोहल. फिनॉल इज अ लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स. बहुत ही एंड ए और बी दोनों करेक्ट है. इसका मतलब बिल्कुल सही है आपका जवाब. दैट इज द सी ऑप्शन कि दोनों स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट और बी स्टेटमेंट दोनों बराबर है क्योंकि फिनॉल ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से और लेस एसिडिक है कार्बोक्सिलिक एसिड्स. When phenol is treated with hydrogen in the presence of nickel gives. Phenol is treated with the hydrogen. Phenol को hydrogen के साथ treat करने. किसके presence में nickel के तो definitely क्या होगा भाई? तो ये तो reduction reaction है. Reduction reaction में phenol का क्या बनेगा? Cyclohexanol. That is the A option is the correct one. Next, industrial method of synthesis of salicylic acid is known as. सैलिसिलिक एसिड का इंडस्ट्रियल सिंथेटिक मेथड कौन सा है. कोलबेस केमेटिक रिएक्शन, फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, गेटरमैन सिंथेसिस. कौन सा है? तो लेट्स सी द आंसर. दैट इज अ कोलबेस केमेटिक रिएक्शन. यही इसका इंडस्ट्रियल मेथड है जिसके द्वारा हम सैलिसिलिक एसिड का भाई नेफ्थैलिन का फॉर्मूला पूछ रहे हैं. बताओ जल्दी से मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है नेफ्थैलिन का. C10H8C6H8C8H8C10H6 कौन सा है? Yes, बिल्कुल सही. A, that is C10H8 is the molecular formula of naphthalene. Next, all carbons in anthracene are. Anthracene के सभी कार्बन कौन से hybridization है? sp, sp2 या sp3 या कोई भी hybridization इसमें नहीं है. तो कौन सा है? Yes, बिल्कुल सही जवाब आपका. वो है sp2 hybridize क्योंकि alternate double bond हर कार्बन पर double bond है. इसका मतलब जो double bonded कार्बन से वो सभी sp2 होते हैं. अगला क्वेश्चन naphthalene on reduction with nickel और H2 के साथ ही reduction होता है most of तो क्या बनेगा. नेफ्थेलिन को हम अगर सभी डबल बॉन्ड निकाल दे तो क्या बनेगा भाई. डायलिन, डेकैलिन, थैलोनिक एसिड या 1,4-dialin. क्या क्या बनेगा? लेट अस सी क्या बनेगा भी. क्या बनेगा? क्या बनेगा? बिल्कुल सही जवाब आपका. दैट इज अ डेकैलिन क्योंकि 10 कार्बन का डेकैलिन है. दैट्स द टू. नेक्स्ट एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्किल सब्स्टिट्यूएंट दैट इज पैरा और मेटा टू द कार्बोनिल ग्रुप. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्किल सब्स्टिट्यूएंट दैट इज पैरा और मेटा टू द कार्बोनिल ग्रुप डैश डैश द एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड. यानी बेंजोइक एसिड की एसिडिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या कुछ भी नहीं होगा. कब? जब उसके ऑर्थो या पैरा या मेटा पोजिशन पर कार्बोनिल ग्रुप. क्या होगा भाई? क्या होगा? या दैट इज द डिक्रीज होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जिसकी वजह से डिस्टेबिलाइज होता है. द OH ग्रुप इन फिनॉल इज अ डैश डैश इन नेचर एक्टिवेटिंग रिएक्टिवेटिंग न्यूट्रल नन ऑफ दिस. क्या है? बिल्कुल बताइए. बिल्कुल सही जवाब आपका. दैट इज द एक्टिवेटिंग इन नेचर. ओके और हैलाइड डीएक्टिवेटिंग इन नेचर. नाइट्रो ग्रुप डैश डैश द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फिनॉल. नाइट्रो ग्रुप डैश डैश यानी हाँ क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ नाइट्रो ग्रुप बढ़ाता है या कम करता है? इंक्रीजेस डिक्रीजेस कुछ भी नहीं करता या इन तीनों में से कुछ भी नहीं होता. यस करेक्ट. इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर ऑफ नाइट्रो ग्रुप. अगला सवाल फिनॉल्स ऑन डिस्टिलेशन ओवर जिंक डस्ट. फिनॉल्स ऑन डिस्टिलेशन ओवर जिंक डस्ट रिजल्ट्स इन द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड फॉर्म्स डैश डैश. फिनॉल को जब हम डिस्टिलेट करेंगे जिंक डस्ट के साथ तो हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होगा और फॉर्म होगा. क्या फॉर्म होगा सोचिए. सोचते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ ही कमेंट बॉक्स में अगला वीडियो कौन सा चाहिए वो भी बता सकते हैं. तो बताइए. यस बिल्कुल सही जवाब आपका बेंजीन होगा. OH निकल जाएगा तो बचेगा बेंजीन ना. इतना आसान है. नेक्स्ट फिनाइल एसिटिक एसिड एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट यानी फिनाइल एसिटिक एसिड जैसे प्रोडक्ट्स which the carboxyl group is not attached directly to aromatic ring are called. जिस ring में aromatic ring को directly attached नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे? Yes, क्या बोलेंगे? Aromatic
एसिड बोलेंगे। यस नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड एमसीक्यू हमारे क्वेश्चन बैंक का। तो सल्फोनेशन ऑफ एंथ्रासिन विथ एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एंथ्रासिन को जब हम सल्फोनेशन के लिए प्रोसीड करेंगे विथ एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा जब हम एंथ्रासिन को सल्फोनेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। यस 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 बिल्कुल सही, 182.7 सल्फोनिक एसिड, 1827 सल्फोनिक एसिड हमें मिलेगा। दैट्स द एंड ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बैंक। यहाँ पर हम हमारा तीसरा पार्ट जो है क्वेश्चन बैंक का वो एंड कर रहे हैं और मिलते हैं फोर्थ पार्ट के साथ क्वेश्चन बैंक के। सो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके चैनल तो याद है, MSA सिंप्लीफाइड स्टडीज। थैंक यू।